अंग्रेजों के बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं देखो माशाल्लाह। हेलो कर दो, हेलो कुछ हकीकत में रखी हुई है अभी भी। तो गाइज चलते हैं अंदर। गाइज एक चीज़ और है कि आप कभी भी लाल किले में आए तो ये 80 वाला जो म्यूज़ियम का टिकट है ना, अंदर जाके एक म्यूज़ियम और पड़ता है लेफ्ट हैंड पे, उसमें अगर जाओगे तो 200-250 रुपये की टिकट और लेने पड़ेगी उस म्यूज़ियम के लिए, क्योंकि ये 80 वाले की उसमें एंट्री नहीं है, इस वाली पर्ची की, इस वाले 80 वाले म्यूज़ियम की। इस म्यूज़ियम की एंट्री दूसरी जगह है, हम दूसरी जगह आपको दिखाएंगे। तो गाइज़ ये जो 80 वाला जो टिकट है वो इस म्यूज़ियम का है, ये जो मेरे पीछे है इस म्यूज़ियम का है। उस म्यूज़ियम में गलत चला गया था, उसमें 200-250 रुपये मांग रहा था, मैंने यार 80 वाला है अब इसमें ही जाऊँगा। अगर नेक्स्ट टाइम देखूँगा और चीज़ें दिखाऊँगा उसमें, कभी आऊँगा तो वो वाला भी ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो इसमें दिखाता हूँ आपको चल के क्या क्या है। तो गाइस वो जो सामने आप देख रहे हैं मेरे, वो अकबर का सिंहासन है, वहाँ अकबर बैठा करते थे। और बाकी मैं आपको पास से जाके दिखाऊँगा। ठीक है गाइस चलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये है वो चीज़, इसको शीशे में जड़ रखा है, शीशे से इसलिए जड़ा हुआ है ताकि कोई अंदर छेड़खानी ना कर सके इसके अंदर। गाइस व्यू देखें कितना मस्त आ रहा है ज़बरदस्त। और ये जो साइड में जो लाइनें थी, ये टोटल गुलाब लगे हुए हैं वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से और वहाँ तक गुलाब ही गुलाब लगे हुए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। और आप मेरे पीछे भीड़भाड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी दूर दूर से बंदे आते हैं यहाँ पर देखने के लिए इस लाल किले को। देखिए गाइस भीड़ देखें आप, दिख रही होगी आपको भीड़, काफ़ी तादाद में भीड़ है। अंग्रेजों के बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं देखो माशाल्लाह। व्यूज़ देखें आप कितना हसीन व्यूज़ है। ये जो छोटी मोटी सभाएं हुआ करती थी वो यहाँ पे हुआ करती थी, जो अकबर सभाएं किया करते थे इस जगह पे किया करते थे, ये जो आप देख रहे हैं। और वो सामने मस्जिद है। तो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है आपकी मोती मस्जिद है, अकबर ने बनवाई थी ना, और सॉरी औरंगज़ेब ने बनवाई थी ये मस्जिद, मोती मस्जिद। और वो कहाँ पे है, वो मंदिर और मस्जिद बराबर में बनवाए थे कहाँ पे? अच्छा ये मस्जिद जो है मोती मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाई थी, औरंगज़ेब के ज़माने की है ये मस्जिद। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति बनी हुई है, जो घोड़े पे सवार है। और आप डेट वेट देख लें, मुझे नहीं पता इस बारे में लिख रखी है 1857-1957। इस वजह से गाइस आगे दिखाता हूँ चूँकि आपको। तो गाइस अब ये मेरे सामने पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लैटली गैलरी, ये है आपकी फ्लैटली गैलरी। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा कितना प्यारा दोस्त है, ग्रेट टीचर में कितना प्यारा लग रहा है। हेलो कर दो, हेलो। व्यूज देखें गाइस, व्यूज देखें आप,
इधर से इधर ये जो आप देख रहे हैं आजाद हिंद फौज के तांबे के सिक्के ये रखे हुए हैं और ये आजाद हिंद फौज दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर प्रचलित जापानी मुद्रा है। आप देख सकते हैं मुद्रा है, देखें ऐसे देखें। ये मूवी चल रही है सुभाष चंद्र बोस के टाइम की। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं चेर वगैरह खंजर वगैरह। भाई अभी तो रमज़ान चल रहे हैं जैसे कि आपको भी पता है, नहीं तो अगर रमज़ान नहीं चलते तो मैं आपको इस कुएं का पानी ज़रूर पिलाता। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कुआं है, इस कुएं का पानी ज़रूर पिलाता। बाकी मैं आपको इसकी गहराई दिखाता हूँ। गाइस इसकी गहराई आप देखें बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। ये देखो है ना कितना गहरा है। तो गाइस मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं आपको तलवार वगैरह और चीज़ें दिखाऊंगा अकबर के शासन के टाइम की, लेकिन अब ऐसा लग नहीं पा रहा कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ क्योंकि अब टाइम हो गया ख़त्म। अब सब म्यूज़ियम जो है बंद होने जा रहा है, अब फिर कभी आपको दिखाऊंगा। अब मैं वापस नीचे आ रहा हूँ जहाँ से आया था। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन एक चीज़ है, अब मैं जो आज़ादी के टाइम की जो जितने भी जंगजू थे अब उन सबको दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस लाल किले में, और जो अकबर के टाइम की चीज़ें थी वो थोड़ी थोड़ी करके हटा दी जा रही हैं। तो गाइस अब मैं बाहर फाइनली आ चुका हूँ क्योंकि अब म्यूज़ियम हो रहा है बंद। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं नज़ारा, देखें आप कितना ज़बरदस्त है। मन ऐसा कर रहा है मतलब यहाँ से जाऊँ ना और एक कितना एक बेड कितने गज में, 10-15 गज में डल जाता है, 10-15 गज की ज़मीन मिल जाए बस यहाँ एक बेड डल जाए और एक लेटरिन बाथरूम हो जाए और एक पानी का नल हो बस, यही थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बस मज़े ही आ जाएंगे। हाँ भाई अभी खेजे चलिए यहाँ पे।
गाइस बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अमेजिंग, इतना जबरदस्त लग रहा है वो बता नहीं सकता मैं। हाँ भाई आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो बिना टिकट के कैसे लेटा हुआ आराम कर रहा है। हमने तो 80 रुपए खर्च करे हैं, इसने तो एक पैसा नहीं खर्च करा, कितनी आराम से लेटा हुआ है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया अब जाने का, और एंट्री भी आपको बताई दी थी कि अब म्यूज़ियम की एंट्री ख़त्म कर दी है, टाइम ऑफ हो गया उसका, बंद कर दिया है म्यूज़ियम। तो गाइस इस लाल किले की ब्लॉग को कम से कम मैं 2 से 3 भाग में डालूँगा, ठीक है, और क्योंकि एक भाग में डालूँगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो गाइस काट काट के डालूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके गाइस बाय बाय।